रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के विधायक सत्यनारायण शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे तो राहुल गांधी राष्ट्रपुत्र हैं। अंग्रेजी राज में जैसा हाल था वैसा ही हाल आज भी दिखाई दे रहा है। भाजपा की केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। बता दें कि यह सारी बातें उन्होंने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में भारत में अपनी बात कहना गुनाह हो गया है, अपराध हो गया है। हमारी आवाज़ को दबाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं। चार बार के सांसद राहुल गांधी जी जब संसद में अपनी बात कहना चाहते हैं उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। इस तरह से विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ उनकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके मंत्रीगण पूरी ताकत के साथ षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। खड़गे साहब जब अपनी बात कहते हैं, राहुल गांधी जी अपनी बात कहते हैं तो उनके बयान को काट दिया जाता है। उनके बयान को, राहुल गांधी जी के बयान को तो पूरी तरह से ही विलोपित कर दिया गया। इसका मतलब हुआ कि जो फिरंगियों के समय में जो होता रहा वो इस देश में आज देखने को मिल रहा है, उसकी शुरुआत दिखाई दे रही है। मोदी राज में जो चल रहा है लोकतंत्र की हत्या का षड्यंत्र चल रहा है उसे आप सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, महसूस करने की जरूरत है। और एक षड्यंत्र, सबसे बड़ा षड्यंत्र राहुल गांधी जी की सदस्यता निरस्त रद्द करके उन्होंने एक तानाशाह पर एक मोहर और लगा दी है। तानाशाह रवैया उनका इस तरह से है, जैसा कि आप जानते हैं, पूरा घटनाक्रम हम विस्तार से बताएंगे आप लोगों को, आप लोग सब जानते भी, फिर भी एक बार बताना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। उनके केंद्रीय मंत्री सारी गरिमा को ताक में रख करके, सारे सिद्धांतों को ताक में रख करके गलत बयानबाजी कर रहे हैं और एकदम से पूरी तरह से मोदी जी के बचाव में पूरी पार्टी और उनके लोग आ गए हैं। ये भी कड़ी सच्चाई आप सबके सामने है। अडानी के घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी जी ने दो सवाल किए थे संसद में कि अडानी से प्रधानमंत्री जी का रिश्ता क्या है, संबंध क्या है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अडानी जी के पास इतनी 20 करोड़ रुपए की धनराशि कहां से आई, वो सेल कंपनियां कौन सी हैं, वो डिफेंस का कंपनियां कौन सी हैं, कौन नहीं जानता वो कौन लोग हैं। और इस तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाली कंपनी के पास ये काला धन किसका है, यही तो राहुल गांधी जी ने पूछा था। यही दो सवाल किए थे राहुल गांधी जी ने, यही अपराध था उनका। और इस अपराध को, इस बात को दबाने के लिए राहुल गांधी जी के साथ कितना बड़ा षड्यंत्र किया गया, इस बात की जानकारी दुनिया और देश के लोगों को हो गई। और मैं बताना चाह रहा हूं कि किसी समुदाय या किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के राहुल गांधी जी ने नहीं कहा, ये ओबीसी की बात करना भी फिजूल बातें हैं। राहुल गांधी जी ने कोई ओबीसी के नाम से, किसी जाति के नाम से कोई बात कभी नहीं कही। और 4000 किलोमीटर चलने वाले इस शख्सियत को, जो देश में एक वातावरण बनाया जिन्होंने, और जो देश में स्वराज की बात करने वाले, आजादी की रक्षा करने नौजवान करेंगे इसकी बात करने वाले राजनेता की सदस्यता खत्म कर देना, सब एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। मैं बताना चाहता हूं, LIC और SBI के करोड़ों रुपए का निवेशकों का पैसा आखिर क्यों दिया गया, क्यों इतना बड़ा आर्थिक अपराध हुआ? दुनिया के लोग जानते हैं अडानी जी के फ्लाइट में, प्लेन में मोदी जी आराम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्टेट बैंक के अध्यक्ष अडानी जी, मोदी जी की वार्तालाप हो रही है। तो ये सब बातें जनता से छुपी हुई नहीं, इन्हीं बातों को राहुल गांधी जी खुलासा करना चाहते थे। आज के जमाने में ये ऐसा लोकतंत्र के इतिहास में कभी ऐसी बातें नहीं हुई।
जो आज हो रही है। एक तरह से देखा जाए तो लोकतंत्र का गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और उल्टा चोर को काल बुलाटे, ये हाल हो रहा है। ये कहावत है, मुहावरा है, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस मुहावरे का भी उपयोग करने में कोई गलत बात नहीं होगी, मैं ऐसा मान के चलता हूं। अब मैं आपको पूरे विपक्ष जब ये कह रहा है कि जेपीसी बनाओ, ज्वाइंट कमेटी बनाओ, पार्लियामेंट कमेटी बनाओ, तो आखिर उसके बाद क्यों नहीं सुनी जा रही इस मुद्दे पर? पूरे विपक्ष के सारे लोग एक स्वर से कह रहे हैं कि ये गलत काम हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में कभी ऐसा नहीं होता। विपक्ष की आवाज दबाने का काम किसी ने नहीं किया, फिरंगियों के समय का याद बातें दोहराई जा रही हैं। तो ये बात सबके सामने, जनता के सामने अहम मुद्दा है और इसमें जांच अगर होगी तो सारे किस्से और खसारे खुलासे हो जाएंगे। सारे षड्यंत्रों का की शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी जानकारी आम जनता को होगी और एक न एक दिन आम जनता तो जान ही जाएगी कि षड्यंत्रकारी कौन है, कैसे है, किस तरह से किया गया।